बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप साहब? आज हम बनाएंगे कैबेज पोटैटो के साथ। इसमें हम पोटैटो लेंगे, पोटैटो को बारीक बारीक काट लें, ज़्यादा बारीक नहीं काटना, ज़्यादा मोटा भी ना हो। ठीक है, पोटैटो आप 300 से 400 ग्राम तक ले सकते हैं, बहुत हानि है। देख रहे हैं, पोटैटो काट लें। इसके बाद आपने एक गाजर लेनी है, जिसको आपने ना ग्रेट कर लेना है अच्छी तरीके से। एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको थोड़ा मोटा रख के काटना है आपने, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है इसको। उसके बाद हम बंद गोभी लेंगे और बंद गोभी को काट लेंगे 300 से 400 ग्राम तक, ये भी होनी चाहिए आपके पास। अब एक पेन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसमें थोड़ा ये जो प्याज हमने काटा है इसको डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा आँच पे फ्राई नहीं करना आपने इसको। अब देखते हैं, थोड़ा सा ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें हम गाजर शामिल करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून से भी कम, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। और इसी तकरीबन हाफ टी स्पून काली मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे, और इन तीनों को भी थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। आज का आपने ख्याल रखना, ज़्यादा तेज़ ना हो ताकि वरना जल जाएगा। देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट होकर फ्राई हो चुका है। अभी इसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसी पैन में हम थोड़ा सा मलाई दाल डालेंगे, और इसमें हम ये जो हमने अपने आलू काटे हुए थे इनको शामिल करेंगे। इसको थोड़ी देर से हल्का सा मिक्स करके इसको आप कवर करके थोड़ा सा नमक इसके ऊपर फेंक दें, डाल दें आप, और इसको हम छोड़ दें पकने के लिए। आप देख सकते हैं कि आलू थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। इसको थोड़ा सा इसकी साइड चेंज करके इसको फिर हम कवर करके फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं आलू काफ़ी हद तक फ्राई होकर नरम हो चुका है। बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना आपने, वरना टूट जाएगा। इसके अंदर ये जो दोस्तों हमने मटेरियल बनाया था उसमें सारा शामिल कर देंगे। इसमें इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसमें एक तकरीबन 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करेंगे। इसको सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट के लिए हमने मजीद फ्राई करना है इसको, और ये आपका बेहतरीन किस्म की फूड तैयार हो जाएगी। इसकी सॉफ्टनेस कितना आपने सॉफ्ट रखना है, बंद गोभी को या आलू को, या आप पे डिपेंड करता है आप कैसा खाना चाहते हैं। मुझे थोड़ा ज़्यादा मैं सॉफ्ट किया है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्रंची पसंद नहीं करता। अगर आप इसको थोड़ा क्रंची रखना चाहते हैं तो आप इसको कम फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, आपके सामने है। इसको इंजॉय करें, और दो में याद रखिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।